ग्राम कुल्हाड़िया में सास बहू पर तंत्र मंत्र कर मंगल सूत्र लेकर भागा बाबा, पुलिस चौकी में दिया शिकायती आवेदन। कुल्हाड़िया गांव में सास बहू एक भीख मांगने वाले बाबा की बातों में आकर ठगी का शिकार हो गईं। उक्त बाबा बातों में उलझाकर बहू का मंगल सूत्र लेकर फरार हो गया। ठगी का शिकार हुई महिला ने दीवानगंज चौकी पहुंचकर शिकायती आवेदन दिया है। कुल्हाड़िया गांव में रहने वाले पवन प्रजापति के घर पर एक बाबा भीख मांगने के लिए आया। आटे के स्थान पर पैसे या फिर गेहूं देने की बात करने लगा। जैसे ही पवन की पत्नी रानी प्रजापति घर के अंदर से गेहूं बाबा को देने के लिए पहुंची तो बाबा ने गेहूं के दाने उठाकर रानी और उसकी सास पर तंत्र मंत्र करते हुए उन्हें गेहूं के दाने घर के अंदर मंदिर में रखने के लिए हाथ पर रख दिए। इसके बाद सास बहू जैसा बाबा बोलता रहा वो वैसा ही करती रहीं। उन्होंने घर के अंदर से मंगल सूत्र लाकर दे दिया। वह मंगल सूत्र लेकर बाबा गायब हो गया। बाबा के जाने के एक घंटे बाद सास और बहू को होश आया तो उन्हें उनके साथ ठगी का पता चला है। फिलहाल शिकायती आवेदन देकर दीवानगंज पुलिस चौकी में शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम है आपका? रानी भाई। क्या हुआ था? अरे बाबा आया तो मैं बर्तन मांज रही थी, वो बोलने लगा मुझसे दक्षिणा दे रही, तो मैं आटे लेके आई उसके लिए, उसने आटा नहीं लिया। मेरी तरफ देखने लगा क्या चाहिए बाबा, तो कहने लगे गेहूँ चाहिए। तो मैंने मेरी सासों को बुलाया, मम्मी देखो क्या बोल रहा है। मम्मी आई तो मम्मी ने मुझसे जो बोला मत दे तो मत दे गेहूँ, तो मैं खुद ही गेहूँ भी हेड़ के ले आई उसके लिए। मुश्किल लगे नवरात्र चल रही नंगे गा रखे होंगे, तो मैंने कही पंडित जी टूट गया, मैंने कहा टूट गया तो लगे ऐसा ही पहन लेते। मैं लोकल माला पहन के आ गई, मैं ठीक है, मैं आप सही कह रहा, मैं तो नंगा गा रहा पहन लिया। चला पानी लिया, मुझे मैं पानी लिया, इकला जी गेहूँ के दाने रख ले तीन, मैंने फिर गेहूँ के दाने रखे। चला ब्लाउज की फीस दे दे तेरे दाने में घर में बांधता हूँ, मैंने कहा नहीं मैं नहीं बांधा। चला हम तो विश्वास है नहीं, मैं हम रास्ता भी नहीं देते, उन्होंने बांधन दू उसको नहीं बांधन दिया। तो फिर कह ले जी पांच दाने और, तो फिर दाने रख के मैं मंगा सूत ले आई उसको, पानी लेने के लिए कही थी आने, फिर मंगा सूत हाथ में खुद ही ले आई, उसने रख लिया मंगा सूत रख के। फिर कह लगे जी बांध देना मैं जाऊँ तो एक घंटे बाद देखना तू। फिर मुझे पता नहीं क्या होगा, उसने मुझे पानी मानी भी छिड़का, पता नहीं फिर नहीं मुझे पता, तो उसको मंगा सूत ला के हाथ में दे दिया। फिर एक घंटे बाद मैंने मेरी मम्मी से, मम्मी वो तो ले गए मंगा सूत, मैं देखू खोल कर मिला ही नहीं था। नहीं मिला, नहीं मिला। फिर आसपास कहीं इसको तलाश करा, कोई पता नहीं चला। तलाश करी, सबसे पूछी, देखा भी उसे, देखने भी गई चौकी में, रिपोर्ट भी डाली, जब भी वो मिला ही नहीं था। नहीं मिला। कितना उसका होगा, वजन का होगा? मतलब 20,000 का होगा वजन, में तो 6 मोती थे, पाए पाले थे तो 4 गोल थे, वो कटोरी थी बड़ी देखा बस। तो मैंने अचानक बोली मम्मी वो आ रहा है, अंशु के पापा आ रहा है, अपने आप को मालूम ऐसे ही बोला, उठ के भाग गया। हाँ इतनी बात है, पता नहीं मुझे क्या होगा ऐसा। पहले हर चीज की मैंने मना करी उससे, ब्लाउज की फीस तक नहीं दी मैंने उससे। फिर पता नहीं उसने क्या कर दिया, ये भी चुपचाप बैठ रहे हैं, यही बिल्कुल हम भी बैठे रहे, पता ही नहीं करते हैं।